Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food. So, alright guys, and welcome back to the PCB Vlogs. और PCB Vlogs के एक और नए वीडियो में आप सब भैया ध्यान से भैया गाड़ी आ रही है, देख रहे हैं फिर भी सामने रहे। हाँ तो भाई फिर से स्वागत है। बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था और हम बाहर निकले हैं, कुछ कहीं ऐसे वैसे कहीं नहीं जा रहे, बस ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे वैसे कहीं नहीं जा रहे, ऐसे ही जा रहे हैं। ऐसे ही घूमने निकले हैं। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सीधा सरदारपुरा की तरफ और भी मुझे कुछ बोलना था लेकिन मैं पता नहीं क्यों कैमरा ऑन होते ही मैं भूल गया हूँ। इलेक्शन की नहीं है, पता नहीं क्या बोलना था। गाड़ी कौन सी गाड़ी, वो जो गलत अभी निकली थी, ये तो अभी 5660 निकलेंगे। ये भी उड़ता हुआ जा रहा है, पता नहीं क्या बादाम वादाम भिगो मेरे लिए अब सुबह सुबह समझे ना। गाड़ियाँ तो आजकल लोग ऐसे चला रहे हैं ना इतनी स्पीड में, फुल ऑन। स्टेप 3, थिंक ग्रो हार्ड अबाउट व्हाट यू वांट टू बी। ये क्या कर रहे हो आप? इस पे म्यूजिक ने डाला और यूं चली गई ना क्लिप, तो वाह लोगों को मेरे और जंगली टैलेंट भी पता पड़ जाएंगे। नहीं बंगाली स्टाइल पता चल जाएगी। ये कोई मैं किसी को पन्ना थोड़ी रहा हूं यहां पे गाड़ी में बैठ के, ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। जो वहां पे आ गया है ना, मतलब उनको इतनी स्पीड में जाना था कि वहाँ जाके खड़े हो गए। मुझे तो लगा नियम, अब वो सबसे पहले निकलेंगे देखना। जूम करो उनके ऊपर जी, मुझे लगा कि भाई नियमों के इधर धज्जियां उड़ाएंगे और भाई साहब वहाँ जाके खड़े हो गए। देखो मुझे लगा और कर रहे हैं वहाँ पे खड़े हो गए। अरे ओ डेरिंग बाज अंकल छुप गए, मिस हो गया, वरना उनको दिखाते कि सबसे पहले कैसे भागते हैं वो बाइक लेके। ये आज जनता में ये क्या हो रहा है, फुल धुएंबाजी शो चल रहे हैं। ऑल राइट, तो हम पहुंच चुके हैं हमारी जो फेवरेट रोड है वहाँ पे। कौन सी रोड है? बी मत बोलना, सी रोड है ये। सी रोड, हर रोड को बी रोड। सरदारपुरा उतर गए इसका मतलब हर रोड बी नहीं होती है, ये सी भी होती है। ये देखिए आप जॉकी, जॉकी हाँ टॉमी, लेकिन ये कहाँ आई है वो बताता हूँ मैं। ये पार्क एवेन्यू, लेना देना नहीं किसी शोरूम से, मैं बताता हूँ अभी आपको। मुझे लेना देना है सिर्फ इससे, वो सामने वो जो ठेला खड़ा है ना गोलगप्पे का, ये देखो अब स्केचर्स के नीचे खड़े होकर अब ये गोलगप्पे खाएगी। अब राधिका आ गई है पानी पूरी खाने, और पानी पूरी देखो चमक देखो इसमें, हिप्नोटाइज हो रहा हूँ मैं तो। ओ भाई पहले पानी पूरी खाने वाली राधिका, छोले वाली इसको कहते हैं गरम। ये देखो भाई ये रे छोले। अभी राधिका गोलगप्पे खा रही थी तो पीछे दो लड़कियां खड़ी हुई थी, फुल स्टाइल चल रहा था। अभी मेरे पास पिक्स तो बहुत है लेकिन पोस्ट करने का टाइम नहीं है। मैंने कहा बहन वड़ा पाओगे ठेले के पीछे खड़े हो गए, तूने 15 मिनट से तो बातें मतलब कर ली है इधर उधर के, और कितना वेला टाइम चाहिए। अभी अभी वो इंतजार कर रही है कि ताज के सामने जब जाके फोटो खिंचाऊंगी ना, अंदर जाऊँ नहीं जाऊँ फिर मैं पोस्ट करूँगी फोटो। फोन भाई गाड़ी में भूल गया था, अब आ गए हैं शेक पीने के लिए। ले आए भाई मैं फोन। भाई फिलहाल आ गए हैं शेक पीने के लिए, और मैं तो नहीं पी रहा हूँ लेकिन राधिका पी रही है। राधिका पी रही है झमाझम शेक, बड़ा ही झमाझम होता है मतलब ऑलमोस्ट। मैंने लास्ट टाइम जब अभी ये कौन सी पार्श्वनाथ है, मैंने लास्ट टाइम जब पिया था तब मेरा आधे तक जाते थे मेरा तो पेट भर गया था मोस्ट। भाई अब डाइट पर भी डिपेंड करता है लोगों के, लेकिन मेरा तो भाई पेट भर गया था। और मुझे लगता है हाँ मुझे लगता है शायद इसका भी बढ़ जाए। आपका व्रत होता है ना तो उस टाइम आप पी सकते हो, लेकिन व्रत में अगर खा लो तो फिर क्या होता है वो व्रत? पी लो खाओ मत, यू शुड बी ऑलवेज हंग्री इन व्रत, हमेशा भूखे रहना जरूरी है। देखो आप ही क्या जमा जम से बड़ी छोटी क्लास में है, बात तो सही है। तो भाई ये है जमाजम शेक यार, मैंने बताऊं लास्ट टाइम जो मैंने पिया था ना वो थोड़ी बड़ी, हाँ वो बड़ी ग्लास थी। कोरोना से के बाद से इन्होंने ना ये कर दिया है, मजे हो गए फिर तो इनके छोटी ग्लास में दे रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर रात को बंद हो जाए तो सारी खा लोगी है ये जितने भी है नहीं। दोस्तों जनता के बाहर बहुत धुआं हो रखा है, देखो पता नहीं क्या पार्टी वार्टी तो नहीं चल रही अंदर को, डीजे नाइट तो नहीं कर रखी इन लोगों ने। और राधिका को देखो क्या बोल रही है कि मुझे ये धुआं महसूस करना था, पूरा घुमा के इस महसूस करने के लिए उस धुएं को वहां जाना पड़ेगा। फुल धुएं चल रहे हैं यार आज तो वहां पर। अपने घर की तरफ निकल गए हैं। मैं अभी यही बात कर रहा था राधिका से कि पहले जोधपुर के अंदर काफी रिलैक्सिंग ड्राइव हुआ करती थी। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत
होते हो तो जरूर मेरे को बताना। फिर निकला तो मैं भी गाड़ी लेके ही हूँ, फिर भी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरी बात से सहमत है क्या। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक ठीक ठाक था पहले लेकिन इतना नहीं था। अभी जैसे हम आ रहे थे, कई बार हम जाते हैं जब डिस्कस करते हैं कि जगह जगह ठेके हो गए हैं जोधपुर के अंदर, के बहुत सारे ठेके हो गए हैं। और अभी आप लोग अगर न्यूज फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही होगा दिल्ली के अंदर भी वो कुछ केस चल रहा है, भाई मनीष सिसोदिया ने कुछ गबन किया है कुछ दारू के उसमें ठेके में, और कुछ माफ करने के लिए जो भी है यार एक्स वाई जेड वो आप लोग जानते हो। तो उसके अंदर क्या किया है, लीगल उम्र पीने की 25 से 21 कर दी है, 24 घंटे आया रेस्टोरेंट वगैरह में दारू मिलेगी, और बियर सस्ती हो गई है, और वेबसाइट और ऐप पे आप घर पे मंगा सकते हो। तो कुल मिला के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिल्ली को मतलब दारूडिया बनाना चाहते हैं, दारूडिया कैपिटल तो नहीं बनाना चाहते इंडिया की दिल्ली को। है भाई राधिका, राधिका तो बहुत खुश है कि बियर के दाम घट गए हैं गाइस, इंजॉय कर रही है, पटाखे वटाखे आतिशबाजी भी खरीद के इसने घर पे रखी है रात को छोड़ेगी ये रॉकेट वॉकेट छत पे जाके के ओए बियर सस्ती हो गई, पापा बाहर ही खड़े गेट पे। स्टेप 4 एवरीबॉडी जस्ट डू योर थिंग, वेक अप टुडे इज गोना बी अ गुड डे, वेक अप टुडे इज गोना बी अ गुड डे, वेक अप टुडे इज गोना बी अ गुड डे, वेक अप टुडे इज गोना बी अ गुड डे, वेक अप टुडे इज गोना बी अ गुड डे, वेक अप टुडे इज गोना बी